सो फ्रेंड, तो आज इस हम फोटो एडिटिंग में देखेंगे कि अपनी फेस को किस टाइप से अल्ट्रा क्वालिटी में स्मूथ करना है। आप देख सकते हो हमारी नॉर्मल फोटो किस टाइप की, देख सकते हो कितनी मतलब दिखने में काफ़ी बेकार सी लग रही है, और इस फोटो में आप देख सकते हो कितनी ऑसम लग रही है कि हमारी फोटो को अल्ट्रा स्मूथ करके दिखाएंगे फुल HD क्वालिटी में, कि आप अपनी फोटो को कितना भी जूम करो आपकी फोटो फटेगी नहीं। आप कितना भी जूम कर लो गाइस, देख सकते हो अपनी फोटो को कितना भी जूम कर लो आपकी फोटो फटेगी नहीं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देना, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है, और यदि आपने जूम मतलब स्किप कर दिया वीडियो को तो फिर वीडियो समझ में नहीं पाओगे और आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाओगे और फिर आप कमेंट करोगे। तो देख सकते हो गाइस इसमें हमने अपने बाल को भी किस टाइप से एडिट किया है तो उसको भी हम बताएंगे आपको, इसमें शर्ट का कलर भी चेंज किया है तो वो भी बताएंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब भी कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड मैं वीडियोज अपलोड करूँगा तो आप सबसे पहले हमारे फोटो देख के अच्छे से अच्छे फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये फोटो एडिटिंग काफ़ी सिंपल है। यदि आपके पास यदि नॉर्मल आप सब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इस टाइप की DSLR से फोटो क्लिक करो फिर जाके इस टाइप की फोटो एडिटिंग हो पाएगी, लेकिन मैं बता तो नहीं गया। आपके पास यदि सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल है ना तो फेस एडिटिंग अल्ट्रा क्वालिटी में स्मूथ हो सकता है, और इस टाइप की फोटो आप मोबाइल से भी एडिट कर सकते हो और मोबाइल का फोटो भी रहेगा फिर भी, ठीक है। तो देख सकते हो हमारी ये फोटो अब दिखने में कैसी लग रही है। तो उसको हम फर्स्ट वाली क्या करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं फोटो एडिटिंग। तो फर्स्ट वाली शेयर करते हैं, करा दो, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दो। तो हम ऑल फोटो पे क्लिक करते हैं, अपनी फोटो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी ऐड किया फोटो तो वो फोटो यहाँ पे आ चुकी है गाइस। तो ये फोटो हम ले लेते हैं। अब देख सकते हो हमारी फोटो किस टाइप की आ चुकी है, जो कि दिखने में काफ़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमको लाइट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो लाइट में हम हाईलाइट माइनस कर देंगे, ठीक है, शैडो इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद वाइट थोड़ा सा माइनस, ब्लैक माइनस, ठीक है। हाईलाइट माइनस करना है, शैडो इंक्रीज, ब्लैक थोड़ा और वाइट थोड़ा माइनस करना है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, उसके बाद ऊपर में देखिएगा आपको मिक्स का आइकन, मिक्स पर चलेंगे, उसके बाद इतने सारे कलर्स हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम अपने फेस को पहले तो वाइट करेंगे, जो कि हमारे फेस बहुत पीला टाइप का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फेस यहाँ पे इस ऑरेंज वाले कलर में जाएंगे, इसका सेचुरेशन जैसे हम बीच वाला सेकंड वाला माइनस करेंगे और लुमिनेज इंक्रीज करेंगे तो हमारी फोटो पीलापन से हट जाती है। उसके बाद जाएंगे फिर से रेड वाले कलर में, इसके भी सेचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे और लुमिनेज इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी फोटो देख सकते हो पीली सी वाइट आ चुकी, ठीक है। अब बताओगे भाई इसमें तो धब्बे से दिख रही है। तो गाइस फुल वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि मैंने इसको किस टाइप से एडिट किया, ठीक है। उसके बाद गाइस जितने भी कलर इसका सेचुरेशन हुई को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके सेचुरेशन हुई को माइनस कर देंगे, तो देखो जितने भी कलर उसके सेचुरेशन हुई को माइनस कर दिए तो हमारी फोटो बिफोर एंड आफ्टर दिखने में कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, सॉरी उसके बाद क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, सॉरी उसके बाद जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, क्लियरिटी को थोड़ा हम पीछे कर देंगे जिससे हमारी धब्बा देख सकते हो। जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा, जूम किए क्लियरिटी आगे करते तो धब्बा का थोड़ा पीछे करेंगे तो ये धब्बा थोड़ा हट जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिजर्ट को भी वही करेंगे, थोड़े आगे करते हैं, देखो पूरा काला टाइप से आ रहा है इसलिए थोड़ा पीछे करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको शेयर कर देते हैं हम अपने ऑटोडेस्क में, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो हमारी फोटो अभी किस टाइप से बन चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर, देखो बिफोर एंड आफ्टर दिखने में पहले कैसी थी अब कैसे दिख रही है, ठीक है। इसको हम शेयर करते हैं ऑटोडेस्क में और हम आपको दिखाते हैं वहाँ से फेस को कैसे वाइट कर किया जाता है, और फुल वीडियो है गाइस। वीडियो को सबसे लेकर लास्ट तक देखो, और पता है मुझे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर बन जाओगे, तो आपको ऑटोडेस्क को यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑटोडेस्क यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोडेस्क ओपन कर लिए, उसके बाद हम ये वाला ब्रश चूज करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे ब्रश का नाम है स्मूथनेस फ्लैट ब्रश 3, ठीक है। तो ये ब्रश चूज करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, फॉलो स्ट्रेंज 1:4 रखेंगे साइज अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस बूम, यहाँ से आप बोलोगे भाई कि आप किस टाइप से कैसे धांसू धांसू ट्रिक बताते हो, ठीक है। तो देखते रहो और देखो कितनी ऑसम लगेगी, ठीक है। तो ब्रश को हम यहाँ पे जहाँ पे आपको ब्लैक धब्बा ज़्यादा दिखे वहाँ पे ज़्यादा चलाना है, ठीक है ब्रश को, ठीक है। उसके बाद साइज बढ़ा घटा के आपको कर लेनी है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर नोज पर भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस यहीं से हम आपको बोलते फेस स्मूथ किया जाता है, बट फेस स्मूथ करने से पहले गाइस आपको लाइट रूम में जाकर थोड़ी ये येलो टून डलाना पड़ेगा, जो कि दिखने में ऑसम लगती है, उसके बाद ही आपका
फेस एडिटिंग काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी चला लेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ पे भी, उसके बाद दिखा जब अच्छे से करेंगे। अब देख सकते हो हमारी फ़ोटो कितनी ऑसम से स्मूथ हो रही है, और हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। मैंने पहले बताया था कि लास्ट में जब आप फ़ोटो देखोगे ना, तब बताओगे कि कितना ऑसम ट्रिक है ये फ़ोटो एडिट करने का। तो देखो और सीखो, तो देखते रहो भाई, बहुत ही ओपी है। और जहाँ जहाँ ब्रश चलाते हैं ना, बस आप वहाँ वहाँ फोकस करो, क्योंकि वहाँ फोकस नहीं करोगे तो आपकी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए वहाँ फोकस करो, तभी जाके आपकी फ़ोटो अच्छे से बन पाएगी। तो देखो यहाँ पे अभी काला धब्बा दिख रहा है ना, तो इसको साइज़ को बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ से हम मिला देंगे, अब देखो काला धब्बा गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे भी अच्छे से कर लेंगे गर्दन पे। उसके बाद हम वाइट, जब वाइट थोड़ा कम लगेगा तो वाइट भी हम कर लेंगे अपनी स्नैपशीट में जाकर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे वाइट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको फोटो एडिट करके। उसके बाद देखो हाथ पे हम भी वैसे ही ब्रश की साइज़ बढ़ा लेंगे, और हाथ पे हम आराम आराम से चला लेंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद फिर लाइट हम थोड़ा सा, मतलब इसको वाइट कर देंगे जहाँ पे ब्लैक दिखे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गाइस कि हमारी फ़ोटो किस टाइप की बनी है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको इसको शर्ट का कलर चेंज करके दिखाएंगे, और अपनी हेयर बना के भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को सोच लेकर लास्ट तक देखते रहना, तो मैं बार बार यही बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसे काला धब्बे टाइप की है, तो हम चाहे तो इसको ऑटोडेस्क से भी हटा सकते हैं, बट स्नैपचैट बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप उतना जल्दी समझोगे नहीं ऑटोडेस्क के सारे ब्रश। और तो मैं सब ब्रश पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिएगा अच्छा सा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। तो हम देख सकते हैं हमारी फ़ोटो अभी इस टाइप की बन चुकी है, तो इसको हम शेयर करते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी में, और आपको हम दिखाते हैं हमारी पहले फ़ोटो किस टाइप की थी और हमारी फ़ोटो अब किस टाइप की, ठीक है। तो वो देख सकते हो हमारी फ़ोटो किस टाइप की थी पहले, इस टाइप की, और मैंने इस टाइप की इसको एडिट कर दिया। उसके बाद देखो हम अभी इसको वाइट करके दिखाएंगे, तो शेयर करते हैं अपने स्नैपशीट में। तो आपको स्नैपशीट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पता होगा, तो उसको शेयर कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर टूल्स वाले में जाते हैं, और यहाँ पर सेलेक्टिव टूल यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ हमको ब्लैक दिख रहा है वहाँ हम वाइट करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमको ब्लैक दिख रहा है वहाँ हम वाइट कर लेंगे, ठीक है। देख तो आराम आराम से प्लस करेंगे, उसके बाद देखो वाइट कर लेते। देखो बिफोर एंड आफ्टर दिखने में हमारी फोटो काफ़ी ऑसम लग रही है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम शेयर करते हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप में, जहाँ से आपको पता ही होगा भाई आपको पिक्सआर्ट कितनी अच्छे से, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस चलाता रहता हूँ तो पता ही होगा। तो पिक्सआर्ट ऐप में शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके लिप बनाएंगे, ठीक है। लिप जो मैंने बताया था कि यहाँ से लिप बनाया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे हेयर कलर में, उसके बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे रेड कलर, उसके बाद सबको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। और रेड कलर चूज करके हम ड्रॉ वाले टूल में जाएंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद देखो हमारी फोटो लाल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम आइस लगा लेंगे, जो कि भाई आइस लगाने पर आपकी फ़ोटो और क्लियरिटी और क्लियर सब बढ़ जाती है, ठीक है। तो माइस लगा लेते हैं, सजेशन बढ़ा के इरेजर पर जाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट इसका भी कट कर देंगे, इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। उसके बाद डन पे क्लिक करते हैं, तो हमारी फ़ोटो इस टाइप से बन जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम हेयर कलर पे क्लिक करेंगे, और ये वाला कलर चूज करेंगे, ठीक है, ग्रीन वाला। उसके बाद इरेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम गाइस ड्रॉ में जाएंगे, अमाउंट सेचुरेशन कम करेंगे, और यहाँ से एक दो बार ऐसे चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थंबनेल में इस टाइप की दिखाया था, तो इससे कर लेंगे, इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा देंगे, डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुकी है, बट एक चीज़ नहीं हुई है, जो है कि है हमारी शर्ट का कलर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट वाले टूल में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम कलर में जाएंगे, कलर रिप्लेस में जाएंगे, और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको कम कर फुल रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाले पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इरेजर लेंगे, इन्वर्ट करेंगे, और रिटच में जाके हम देख सकते हो गाइस
अच्छे से कर लोगे तो आपकी फ़ोटो शर्ट की कलर ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से अच्छे से कर लेता हूँ, तभी जाके आपकी फ़ोटो रियलिस्टिक लगेगी, नहीं तो फेक दिखने लगेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी थी भाई, आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप अच्छे से करोगे फोटो एडिटिंग तो हो जाएगी। तो उसके बाद डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम मिला देते हैं अपनी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो देखो हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुकी थी भाई, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई रोज़ 5-7 बजे एक फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही प्यारे सपोर्ट बनाए रहे दोस्तों।